नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का एक तरीके से लहर चल रही है और इस बीच रामपुर के उपचुनाव से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रामपुर में अभी तक बीजेपी ने ही सिर्फ अपना प्रत्याशी घोषित किया था, अब आजम खान ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और ये नाम कोई पुराना नहीं है बल्कि जाना पहचाना है, क्योंकि अभी लोकसभा के उपचुनाव में जिस नाम पर आजम खान ने दाव लगाया था अब उसी नाम को लेकर वापस से वो चुनावी मैदान में है। दरअसल आजम खान ने आसिम रजा को वापस से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अपने करीबी नेता आसिम रजा के ऊपर आजम खान ने दाव लगाया है। दरअसल आसिम रजा इससे पहले रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में भी मैदान में थे, तब उन्हें घनश्याम सिंह लोधी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था और इसके बाद ये कहा गया कि आजम खान का गढ़ अब ध्वस्त होने लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी आजम खान ने रामपुर से आसिम रजा को ही टिकट दिया है। दरअसल अगर हम बात करें तो शाम को एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और कुछ उनके करीबी लोग शामिल हुए, कुछ कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन इस मीटिंग में किसी मीडिया वाले को जाने नहीं दिया गया। यहां तक आजम खान ने कार्यकर्ताओं के मोबाइल तक को बंद करा दिया। इसके बाद आसिम रजा के नाम पर मुहर लगाई गई, वो बाहर आकर घोषणा की गई। सुनिए टिकट मिलने के बाद क्या कह रहे हैं आसिम रजा। जी आसिम भाई, आज आपका टिकट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? टिकट हुआ है तो सीट जीतेंगे, आजम खान साहब को जीत का तोहफा देंगे रामपुर के अवाम। उपचुनाव भी आप लोकसभा का लड़े थे, उसके बाद अब एक बार फिर आपके ऊपर क्या कहते हैं विधानसभा लोकसभा में जो कुछ हुआ है हम उम्मीद करते हैं इस बार नहीं होगा, चुनाव निष्पक्ष होगा, ईमानदारी से कराना चाहिए। और इस विधानसभा जीते थे क्या कहेंगे? विधानसभा हम उन हालात में भी जीते, क्या कहेंगे बड़े मार्जिन से जीते इस बार आजम खान साहब? पहली बार ऐसा हुआ है। अरे यार नादिर, चलिए फिर होती रहेंगी बातें, सब आज ही थोड़ी हो जाएगी। नादिर भाई आईडी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे चुनाव निष्पक्ष मान रहे हैं, ये तो मान रहे हैं क्या? निष्पक्ष तो होना ही चाहिए ना, चुनाव होता है इसीलिए कि निष्पक्ष। हटाने की कोई मांग जी? किसी को हटाने की कोई मांग? ये सब बात की बात है। अच्छा, तो चुनाव निष्पक्ष चाहते हैं, इसके लिए जो भी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव? मुद्दा तो वही है, रामपुर का विकास, रामपुर की सुरक्षा, और क्या है, क्या हो। हम आपको बता दें कि आसिम रजा इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हारे थे तो बड़ी उनकी चर्चा हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल बुरी तरीके से हार गए थे। हालांकि आजम खान और आसिम रजा ने बीजेपी के और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था कि सरकार ने प्रशासन का उपयोग करके उन्हें चुनाव हराया और मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया गया। अब देखना है कि इस चुनाव में वो क्या करते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी एक पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया है। दरअसल आजम खान के खिलाफ लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले आकाश सक्सेना उर्फ हनी को टिकट दिया है। आकाश सक्सेना का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आजम खान के खिलाफ लगातार एक तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी है और आजम खान को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब उनको आरामपुर शहर सीट से टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आसिम रजा अब आजम खान की इज्जत बचा पाते हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो आजम खान की विधायकी जाने के बाद खाली हुई, यानी कि आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि चर्चा उनके परिवार से भी थी लेकिन उन्हें परिवार के किसी सदस्य को नहीं उतारा है। लेकिन जिस तरीके से आसिम रजा को उतारा गया है सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या एक तरीके से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया गया है, क्योंकि आसिम रजा जिस तरीके से पिछला चुनाव लड़े हैं ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि क्या वापस बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल आजम खान के ऊपर अभी फिलहाल यही है। हालांकि अब सभी सीटों पर यानी जितने उपचुनाव हैं सभी जगहों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं और रामपुर में अब लड़ाई आसिम रजा वर्सेस आकाश सक्सेना या आप कहिए कि आजम खान वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यूपी तक आपको पल पल की अपडेट देगा। साथ ही साथ अगर आप इनडेप्थ एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो एक अड्डा है uptak.in, वहां विजिट कीजिए, आपको तमाम खबरें मिलेंगी, रोचक खबरें मिलेंगी, साथ ही साथ आपको चुनावी समीकरण समझने का मौका भी मिलेगा। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।